स्वच्छता में देश के नंबर वन शहर इंदौर को अब नई सौगात मिलने जा रही है। इंदौर के रेलवे जंक्शन की सूरत अब बदलने वाली है। यहाँ सब कुछ चकाचक होगा। मुसाफिरों को नई और शानदार वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि इंदौर जंक्शन के रीडेवलपमेंट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द यहां भूमि पूजन होगा और रेलवे जंक्शन के पुनर्विकास का काम इसी साल से शुरू हो जाएगा। काफी कुछ फाइनलाइज हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट नगर निगम से बात हो चुकी है, पुल एक टूटना है, उसकी जगह नया पुल बनेगा, इसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी आएंगी, प्लस दोनों साइड से एंट्री प्रॉपर एंट्री मिलेगी, दोनों साइड जुड़ जाएंगी, एक कॉन्कोर्स आएगा, इसमें कुछ दुकानें रहेंगी, वो फर्स्ट फ्लोर लेवल पे रहेगा। कल इंदौर जंक्शन के रीडेवलपमेंट पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने के आसार हैं। इतनी बड़ी रकम में पश्चिम रेलवे के इस महत्वपूर्ण जंक्शन का कायाकल्प करने की तैयारी है, ताकि ट्रेनों की आवाजाही में सुविधा हो और मुसाफिरों की भी सहूलियत बढ़े। प्लेटफॉर्म को रीअलाइन किया जाएगा। अभी इंदौर स्टेशन में परमानेंट ट्रेन लगा हुआ है मीटर गेज के प्लेटफॉर्म पे, प्लस जो पाँच छः पे जो आप जाते हैं तो रास्ता बहुत पतला है, एक से जाते हैं, उस रास्ते को थोड़ा चौड़ा किया जाएगा ताकि लोग सेफली जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो इंदौर जंक्शन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। इसे शहर के बस स्टैंड और मेट्रो से भी जोड़ा जा सकता है। इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस रेलवे जंक्शन के पुनर्विकास का काम 2.5 से 3 साल में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।